सर आज आपको बुलाने का रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि बादशाह जो है जी। वो कुर्ता नहीं पहन पाता है। हाँ। तो हमने उससे पूछा कि तुम कुर्ता क्यों नहीं पहन पाते हो जी जी। तो बादशाह ने बताया कि मैं एक पैर से माजूर हूँ। हाँ। इसकी वजह से मुझे पैर पे हाथ रख के चलना पड़ता है। तो हमने आपको इसलिए बुलाया है कि क्या आप कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि बादशाह कुर्ता भी पहन ले, कुर्ते का मजा भी आ जाए। वो कहता है कि मेरी ख्वाहिश तो बहुत है लेकिन मैं पहन नहीं पाता। हमने हालांकि कपड़ा भी उसके लिए लाके रख लिया है। खाली आपको इसलिए बुलाया है कि अगर आप कुछ यूनिक काम कर सकते हैं कि उसको कुर्ते का भी मजा आ जाए और जो हाथ वो पैर पे रखता है तो वो उससे गिरे भी नहीं अटकने की वजह से। अच्छा तो ये मसला है, मतलब वो हाथ रखते होंगे अपने टांग पे तो वो कुर्ता अड़ेगा उनको। देखना क्या इस तरह से हाथ रखते हैं क्या? थोड़ा और नीचे सर, घुटने के ऊपर। यहाँ हाथ रखते हैं? जी हाँ सर, घुटने पे रखते हैं। तो उसका इसका इलाज है अपने पास? इस तरह के जो है कि कई जो है कि अपाहिज लोग अपने पास आए हैं तो उसका जो है कि हमारे जो उस्ताद हैं टेलर के, उन्होंने बताया है कि इसका कुछ भी इलाज नहीं, इसका एक इलाज है कि कुर्ते की लंबे कम कर दी जाए। अच्छा, बाकी मतलब ऊपर से वो कुर्ता ही नजर आएगा? पूरा कुर्ता ही रहेगा, उनके हाथ में भी, उनकी बाह में भी, उनके पीछे हिस्से में भी, पीठ के हिस्से में, सब जगह से कुर्ता रहेगा। जो उसकी लंबाई है, देखो अभी इस वक्त मैंने पहन रखी है, इसकी लंबाई घुटने से ऊपर है, वो थोड़ी सी और ऊपर हो जाएगी ताकि उनका जो पंजा है वो इस तरह से चलेंगे तो उसमें लगेगा भी नहीं और बहुत बेहतरीन शानदार काम हो जाएगा। ठीक है सर, अब आप देखिए हम कपड़ा तो इस नियत से लेके आ रहे हैं कि बादशाह का कहना था कि मुझे कुर्ता भी पहनना है और ये दिक्कत भी है। अब आप अगर उसको कर पाते हैं तो ठीक, अदरवाइज एक शर्ट तो कम से कम बन ही जाएगा उनका। अरे नहीं नहीं शर्ट क्यों, अब तो कुर्ता ही बनाएंगे उनका। ऐसे कैसे महरूम रहेगा बादशाह, इतने बड़े लाइन जैसा टेलर मौजूद है दुनिया के अंदर और वो बादशाह महरूम रह गया, तो बहुत बुरी बात है। अगर पहले बोलते तो काम हो जाता, फिर बहुत अच्छी बात है, मैं उनको बना के दूंगा, जरूर बना के दूंगा, और ऐसी चीज बना के दूंगा कि उनको मजा आया। तो खैर सर इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे, और साथ में अगर बुरा ना माने आप तो आप जो काम करते हैं तो हम उसे रिकॉर्ड करना चाहेंगे कैमरे के अंदर। अब सर मैं कितने दूर से आता हूँ, आप तो खैर जानते हो मेरे को, तो वहां पर आओगे जाओगे फिर हमारे उस्ताद भी जो है चिड़चिड़े हैं, अगर मना कर देंगे तो आपको कैमरे में फिक्र मत करिए। आप यहीं पे पड़ोस में एक टेलर की दुकान है, कारखाना है दरअसल। अच्छा अच्छा। उनसे हमने बात कर ली है, उन्होंने हमें परमिशन दे दी है कि हम वहाँ आपको सीने की परमिशन दे दी है, तो आप वहाँ बैठ कर अपना काम कर सकते हैं। और साथ में मैं चाहूंगा कि बादशाह भी आपके साथ बैठे, अभी हमने उसको भी बुलाया है, थोड़ी देर में वो आते ही होगा। अरे वाह यार, कपड़ा तो बहुत प्यारा है और मेरे पसंद का कपड़ा है, लाल कलर का है, बहुत ही प्यारा है। पहनने के बाद तो मतलब एक तरह से मैं संजय का बाप का भी बाप लगूंगा। इसे देखते हैं, वो कैसा लग रही है? ओ आप बता सकते हैं सर जी कैसा लग रही है? बिल्कुल सर, वाकई में आप संजय दत्त से कम नहीं लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी तारीफ। तो सर ये मुझे जो है क्या व्यवस्था करा दी गई है, इंची टेप भी मौजूद है मेरे पास, एसी भी दे दी मुझे, यहाँ के मार्स बहुत अच्छे थे। हमें जो है कि पूरा कार्ड कुटा के बादशाह के लिए तैयार कर रही हूँ, थोड़ा समय लगेगा उसके लिए, तो आप इंतजार करें कि क्या क्या काम हुए। यार बादशाह इतने लोगों का मैंने नाप लिया, बाकी तुम्हारे हाथ बहुत लंबे हैं यार, वो ज्यादा हाथ है, कानून से लंबे हाथ है तुम्हारे। मुझे भी एहसास हो रहा है कि ज्यादा ही लंबे हैं कुछ। अब क्या नहीं तुम्हारा सीना लेना है तुम्हारा? अरे कुछ गलती चल रही है, खुशी के मारे कहीं फूल तो नहीं किए? करो तो नीचे करो, सीना को बढ़ा हुआ है, सीना को नाव ढंग से नहीं पड़ जाए। बादशाह खड़े हो तुम क्या? खड़े हो, खुशी के मारे फूल गए, मुझे ऐसा लग रही है। हाथ ऊपर करो, कानून के हाथ ऊपर, नीचे रखा, नीचे करो। 37.5 आज मुझे नाप देते हुए इतनी खुशी हो रही है, तो मैं जब वो कपड़े पहनूंगा मेरे पसंद के तो मैं तो ऐसा लगूंगा जैसे बिना शादी के ही दूल्हा बन गया मैं तो। बादशाह तुम ये हाथ बेकार रखते हैं, और ये कुर्ता लंबा रहता है ना, तो अब जैसे ये शर्ट है तो ये नहीं आएगी, तो ये शर्ट के हिसाब से या इतना भी रख दोगे तो सीधा चलेगा। सीधा हाथ तुम
हाँ ये सीधा ही हाथ है ना, क्या काम है सब पूछना, वरना बोलो बिगाड़ दिया। नहीं, नहीं तुम अपनी तरफ से सही हो, मैं अपनी तरफ से सही। तुम्हारा हाथ बहुत बड़ा है। हाँ। तुम हाथ को रो रहा, मेरा हाथ देखो पंखे से डर रही हूँ मैं, पंखे भी नहीं चले रहा। ये देखो मैं इसलिए कहीं जाने से डरता हूँ भैया, छोटी जगह मेरा शर्मा घुट जाए तो और मुसीबत। क्या है तो कुर्ते का जो मुंडा रहता है थोड़ा ढीला रखना पड़ता है, ताकि क्या है उठने बैठने तकलीफ नहीं आए। इसके बगैर मैं अधूरा हूँ, ये इसी बारे में हमारा हथियार है, ये किसानों का पता है हमारा तेरा टेरल लाइन होता है, इसकी वगैरह मौजूद है। सीधा नहीं, उल्टा निशान जो चाक देखा ना, ये चाक के निशान आइडिया नहीं है भाई, कुछ भी कहो सैलरी को मानना पड़ेगा, धन्यवाद। वादा किया है वो निभाया, उन्होंने किया था कि तुम्हें तुम्हारे लिए एक कपड़ा लाए वो पहनाएंगे, तो देखो वो इतनी मेहनत करके पहना रहा है, तो उनको हाथ जोड़ के शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से जितनी उनको दुआएं दूं उतना काम है मेरे। ये सारा सब सारा सरजी को देखो, सारा शेर हमके झक मार रहा है, ये पटका नहीं चला मैं तो ही। तो तुम बात तो पूरी करने नहीं देते, मैं उनके बाद मेन तो तुम ही होना था रिकल साहब, तुम जब तक उसको नहीं करोगे तो मैं पहनूंगा क्या। हां मुझे जो है कि सारा शेर जाना था बोलने तो नहीं। हां पंजा देखो पंजा, वो फड़ा मार, तुम मतलब नाप लेने के बहाने मेरा सब कुछ देख लो। देखो तो सौड़ा ये क्या है, अस्थिन चढ़ाने के अंदर तकलीफ हो जाएगी, इसलिए बड़ा रखना पड़ेगा। नाप देते नहीं, मैं छोटे से बड़ा हो गया, मगर पंजा मेरा पहली बार किसी ने नापा है भैया। अच्छा सामना कट गया है, अभी पीछे का हिस्सा कट रही है, ठीक है। अब तक के मेरे टेलर लाइन के इतिहास के हिसाब से इतनी लंबी अस्थि नहीं देखी बादशाह। अच्छा ये जो चली तुम्हारी ये 28 लंबी तो पांच खत्म हुई, क्या करें तुम्हारा, वही तो क्या तुम्हारा हिस्सा वाला था पंजा, वो चोड़ा तुम्हारा। भैया दिमाग क्यों ऊपर से चल रही है भैया, ये तो अच्छा तुम खाओ बस। अब जो है कि प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, हम इसको अपने को चिपकाने का है। ये छिपकाने को क्या कहते हो? इसे बोलते हैं पेस्टिंग। ओहो पेस्टिंग, मैं तो ऐसा समझता था कि खाने की पेस्टिंग होती है। तेल में गर्म हुई वो क्या, हमारी प्रेस इतनी फटाफट हो जाती है, हर काम आ लेगी, अभी नहीं हुआ। अरे हाथ क्यों लगा रहा, करंट लग जाएगा। अच्छा हमें करंट लग सकता, हम पुराने चावल है भाई, चेक करते हैं गर्म माल हुआ कि। ये बाहर सड़ा होता पीछे पेड़ के अंदर, पहला शख्स है और पहली बार जो है कि कुत्ते के अंदर आने का पॉकेट लगाना पड़ता है, क्योंकि हर चीज बड़ी बड़ी। भगवान की कृपा है भैया,
अरे आपको तो उतना माधुर कारखाने में लिया है, बड़े भारी भरकम है, जापान की मशीन बोलते हैं सर। हम तो जगह के वो वाले हैं, भैया वाले। इतनी क्षमता नहीं है भाषा, चार पांच वाली क्षमता नहीं है। भाषा भी गाने गाओ यार, हम तो रेडियो मर्जी में गाते हैं। चाहे दुश्मन जमाना हमारा मर के भी न बिछड़ेंगे दोस्तों, कसम। ऐसा लगा है कि सर जी ने जो है कि मेरे को साइकिल रिक्शा से उठा के सीधे एरोप्लेन चलाने के लिए दे दी। वाह, इसलिए तुम बौखला रहा हो कहीं प्रेम की रोशनी हो जाएगा। उसमें हम भी बैठे भैया, हमारे घर हो गए। बादशाह, इस बात की मैं गारंटी ले लूं, ये कुर्ता बेचते से ही ये छोरियों की लाइन लग गई थी ना, बाबू चाचा बोलेंगे यार कहा छोरियों को कुर्ता बना के दीजिए। बोले बातचीत अभी ढेर लगा गया नहीं रिश्तों का, अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, मत घबराओ। शादी तो मेरी बहुत पीछे हो जाती रंग भाई, भाभी ने ब्रह्मचारी अपना दिया है तो इसलिए मैंने शादी करी। हमें बिना शादी के ही बहुत खुश हूँ और बहुत सुखी हूँ। अब मैं तो देखने में उपकार सोमारी तो खैर आदत है, तो मैं तो मजा ही आता होगा। मैं तो एक हफ्ते में ही अंदा हो जाऊंगा भैया, मुझसे तो सोने टाला ही नहीं डालेगा, टाले की जगह से मन के डल जाएगा। कमाल कर दिया आपने, मतलब मेरे कुर्ता भी नहीं जो हसरत थी वो आज इतनी उम्र में जाके मतलब एक तरह से बुढ़ापे में जाके पूरी हुई है वो। देखो मैं आपको यहाँ से वहां तक चल के भी दिखाता हूँ कि दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई मतलब कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं हो रही है, सही साइड आ जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे ये मुझे बाहर जाके पता चलेगा। तो मैं कोसा पहन के आ रहा हूँ, राइन जी ने कितनी मेहनत करी है, कितनी जद्दोजहद करी उन्होंने, तो उनका धन्यवाद देता हूँ और मेरी पूरी कॉमन मैन शो की टीम का धन्यवाद देता हूँ मैं कि मेरी कोसा पहनने की जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई। मुझे ऐसा लग रही है जैसे गाँव का वो सेठ जमींदार जो होता है वो बैठता है ना हाट पाट से,
मैं अपने आप को ऐसा अंदर से ऐसा ही महसूस कर रही हूँ कि ऐसे ही बैठा हूँ। ये दृश्य को देख के मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई हैं, तो इसके लिए मैं राइन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो चीज दिल से बनती है ना, वो वाकई में लाजवाब चीज होती है, कि सोने पे सुहागा हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे इतनी अच्छी चीज बना के पिलाई। अरे ये तो हमारा कर्तव्य है कि आपको कुर्ते का वो था और आपने आपका हुनर दिखाया, ये बड़ी बात। आपका हुनर देख के तो मैं क्या हूँ, मेरे मुंह में अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपका कायल हो गया। अब मैं गाँव में अपने लोगों से कहूंगा कि भाई इधर ही आया सिलवाने के लिए, मुझे जाकर ऐसा नहीं करना।